हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी। मैं SKGT में पढ़ाता हूँ। SKGT इज एन आइडल प्लेस टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। SKGT में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCOM, SY BCOM, DY BCOM, MCOM 1, MCOM 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। स्टैंडर्ड 8, चैप्टर 15, एरिया। प्रैक्टिस सेट 15.6, महाराष्ट्र, बोल्ड। देखिए, इधर एक हमको सर्कल दिया हुआ है, इसको ऐसा काटा हुआ है, ऐसा फिर एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है? आंसर 2πr। देखिए, मैं इधर इसमें फॉर्मूले में पाई लिख नहीं सकता, इसके लिए मैंने pi लिखा है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है? पाई है, ठीक है। और जो ऊपर था एरो वो रूट स्क्वायर था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर गिवन। हमें रेडियस तो दिया हुआ है, रेडा है, जो भी है, आप ध्यान में रखिए। फाइंड द एरिया, दो अलग अलग बोल क्या दिया हुआ है हम लोग को, 20। तो हम लोग को क्या पूछा है? एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें फॉर्मूला बने पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उधर क्या लिखा है? 22/7 × 28, दो बार लिखा पाई है, तो इसको डिवाइड किए 7/28, 88 × 28 कितना आएगा? 2464। देयरफॉर द एरिया ऑफ सर्कल इज 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया, इसलिए सेंटीमीटर लिख रहे हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही लिखना है आपको, पर ये लाइन लिखना ना भूलिए। देयरफॉर, तो ये डायग्राम में बार बार आपको इसके लिए बना के लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हम लोग सर्कल का सम कर रहे हैं, ठीक है। अभी सेकंड क्या दिया है, चलिए देखते। रेड आए आपका सर्कल दिया हुआ है और गिवन, ठीक है। फाइंड द एरिया, एरिया ही पूछे, एरिया का फॉर्मूला हमको पता है। देखिए कितना दिया, 10.5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, 22/7 × 10.5 × 10.5, ठीक है। फिर से 7 का टेबल लगाइए तो क्या बचेगा इधर, 1.5 × 10, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 33 × 10.5, 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर द एरिया ऑफ सर्कल इज 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। काफी सिंपल है, पाई आर खाली पाई आर स्क्वायर आपको ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल फॉर्मूला है। डायग्राम फिर से वही रफ डायग्राम है, आपको बनाना नहीं है पर आपको समझने के लिए मैंने इधर दिया हुआ है। आप सिंगल एक ही बार रफ डायग्राम बना सकते हो, आपको समझाने के लिए ऐसा बना, ऐसा नॉर्मल सर्कल भी बना सकते हो डायग्राम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है, 17.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 22/7 × 7.5, 17.5, तो 7 को डिवाइड किया तो 2.5 आएगा, तो ये कितना आएगा, 15.7.5, तो आंसर क्या आएगा इधर, 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर द एरिया ऑफ सर्कल इज 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है। रफ डायग्राम आपको बनाना नहीं है पर रफ डायग्राम आप बना सकते हो, खाली मैंने आपको दिखाने के लिए। चलिए देखते क्या है, एरिया ऑफ सम सर्कल आर गिवन बिलो, ठीक है। एक बोल रहा है कि कुछ सर्कल नीचे दिया हुआ है, और फाइंड दियर डायमीटर, डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा,
एक सर्कल को जोड़ा डायमंड आपको पता ही होगा कितना दिया हुआ है, 176 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला मिला है हमें, तो हम लोग को क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। तो ऐसा करते करते आप निकालेगा कि आर स्क्वायर मारा तो क्या आएगा, 56 r² रूट। हमें डायमीटर निकालना है तो फॉर्मूला मेरे को पता है 2 r, तो क्या लिखा है 2 × √56, तो कितना आएगा इधर, तो डायमीटर ऑफ 2 स्क्वायर √56, मतलब 2 r² रूट का फॉर्मूला, ये साइन और नीचे 56 आएगा उससे, ठीक है। यही आंसर है, पीछे देख लेना। अब ये थर्ड सम है, रफ डायग्राम है, तो इसके आगे हम लोग को भाई क्या मिला है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन बिलो, फाइंड द देयर डायमीटर, ठीक है। हम इसका भी डायमीटर निकालेंगे, ये हम लोग को क्या दिया, एरिया दिया, तो ये एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला हमने पता है। तो एरिया गिवन है 12/7 × r। सेकंड सम है सेम ऐसे, तो 394 × 24, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, तो आर स्क्वायर रूट कितना आएगा, 12554 का 11.2, और रेडियस कितना है 11.2, तो डायमीटर का फॉर्मूला 2 × r कितना आएगा, 22.4। देयर फॉर द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 22.4 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर तो सेंटीमीटर में ही आएगा। एरिया, एरिया ऑफ अ सम सर्कल, क्या लिखा है, एरिया ऑफ सम सर्कल आर गिवन, ठीक है, हमें गिवन है बिलो, फाइंड देयर डायमीटर, हमें क्या निकालना है उसका डायमीटर, हमें फिर से दिया हुआ है एरिया कितना दिया है, 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, 2 πr² क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, 12474 = 22/7 × r, रेडियस 2 बार, तो इसको उधर भेजो, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 16। तो डायमीटर लगा फॉर्मूला 2 × r कितना आएगा, 126। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 126। सेकंड का थर्ड सम हो गया, चलिए तभी इधर क्या दिया हुआ है, थर्ड सम है, डायग्राम दिया हुआ है हमें, डायमीटर ऑफ सर्कल गार्डन, समझे गार्डन, सर्कल कितना है, डायमीटर कितना है 42, और देयर आर रोड है बाजू में, ये जो रोड है वो 3.5 मीटर अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, हमें रोड का एरिया निकालना पड़ा, पूरा सर्कल का, सर्कल का नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ खाली रोड का बोला, तो हमें डायमीटर ऑफ सर्कुलर जो जो गिवन है वो लिख रहे हैं, रोड है डायमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, रेडियस का क्या आएगा, हाफ इंटू डायमीटर आपको पता है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 21। तो एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर 22/7 × π, तो कितना आएगा इधर, सर्कुलर गार्डन 22 × 1386 स्क्वायर मीटर, आपको क्या मिला है, सर्कुलर गार्डन का एरिया, ठीक है, ये एरिया मिला है इसका सर्कुलर गार्डन में, ठीक है। अभी देखिए ये ऐसा मैंने और एक बनाया जिससे आपको समझ में आया कि ये ग्रीन वाला गार्डन है और ये जो ब्लैक वाला वो रोड है, ठीक है। अभी होल गार्डन है ना, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लस वाइड रोड है ना, ऐसे ही है, तो 21 + 3.5 कितना आएगा, 24.5। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे होल गार्डन का निकालेंगे, गार्डन एंड रोड है ना, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा है, तो कितना आंसर आएगा 186.5। अभी मेरे को इसमें से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रोड माइनस करना है, मतलब है ना, जो गार्डन है माइनस करना है, ये गार्डन है तो टोटल माइनस गार्डन, तो कितना बचेगा रोड का, 500.5 स्क्वायर मीटर, और ये लाइन जरूर लिखिए, देयर फॉर द एरिया ऑफ रोड 500.5 स्क्वायर मीटर, सिंपल है काफी। क्वेश्चन 4 लास्ट सम है शायद, मैं तो देखा नहीं इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इफ इट्स अ सर्कमफेरेंस, ये हम लोग को एक नया फॉर्मूला मिला निकालना है,
हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ, हमने पहले पढ़ा हुआ है पर अभी तो हमने नहीं पढ़ा था। चलिए सरकमफ्रेंस, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr, याद रहेगा सरकमफ्रेंस सर्कल का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2πr। तो जो गिवन है लिखिए 88, हम लोग को क्या मिलेगा फिर, r मिलेगा। तो डिवाइड जो था मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई जो था डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या बचेगा, r इंटू 2 × 7 कितना आएगा, रेडियस कितना आएगा, 14। देयरफॉर अभी क्या निकालना हमें, एरिया, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 2 बार r, 14 14, तो 7 × 2 = 14, तो 22 × 44 = 14 कितना आएगा, 616 square centimeter। और ये लाइन जरूर लिखी, देयरफॉर द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 square centimeter। सिंपल है काफी, थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो।